तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखो ठंड का टाइम है, जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और आज है मेरे लिए कुछ खास स्पेशल डे। तो अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं आपको बता दूँ कितने बजे, 3:30 बजे वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, 3:30 बजे। तो अभी मैं थोड़ी सी अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लूँ। आप मेरी स्किन देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश, अभी कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे फ्रूट क्रीम लगा रही हूँ। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आंवली स्किन वालों के लिए कौन सा फाउंडेशन लें मेबेलिन में। तो मैंने कई बार वीडियो बनाई है, बहुत बार, बट ये होता है ना कि मुझे भी लगता है यार पुरानी वीडियो हो जाती, कौन इतना ढूंढने जाए। चलो मैं फिर से बना देती हूँ और बस इसीलिए मैं आज बैठ गई कि मैं वीडियो शूट कर दूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो फुर्सत मिलती नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हर औरतों को या लड़कियाँ हों या बच्चे हों, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट है, यानी कि स्किन में ड्राईपन पैचीपन नहीं है, तो स्किन जैसी चाहे हो ना अच्छी लगती है। अगर स्किन में रूखापन, ड्राई पैन, ड्राई पैचेस, ड्राई, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, जैसे यहाँ पे हो जाता ना सर्दियों में, मेरे तो पहले अक्सर ही होता था, क्योंकि मैं स्किन को हाइड्रेट करके रखती नहीं थी, हमेशा ब्राइटनेस और वाइटनेस के पीछे भागती रहती। स्किन को प्रिपेयर करना और स्किन को हाइड्रेट करना, स्किन को मेंटेन रखना, ये मुझे पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें मैंने सीखी। अब मेरी स्किन ऐसी है ना कि मैं फेस वॉश चाहे जितनी बार कर लूँ, सर्दी में स्किन में कुछ भी ना लगाऊँ, 4 दिन 5 दिन भी, तो मेरी स्किन ऐसी ही रहती, कहीं भी ड्राईपन पैचीपन नहीं। सर्दियों में हम क्या होता है ना, सर्दियों में अक्सर हम जो लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं, हमारे साथ ऐसा हमेशा होता है कि हम कहीं जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, यार जब भी अभी मैं क्रीम लगाऊंगी या फाउंडेशन लगाऊंगी तो मेरा रूखा रूखा हो जाएगा, अजीब सा दिखेगा, क्या करूँ, कैसे करूँ, मेकअप कर लो तो इतना गंदा लगता है ना। तो बस यही रीज़न है कि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, स्किन को प्रिपेयर हमेशा करके रखो, मेकअप करो, कुछ भी करो, लेकिन हाइड्रेट करके रखो। बहुत सारे लोग बस क्या करें, मुंह धुल कर आए, फाउंडेशन लगा लिए, अब वो इतना गंदा लगता है ना कि आप कहीं जाओ ना तो लोगों के हंसी के पात्र भी बन जाते हो और आपकी स्किन भी खराब होती रहती है ना। अपने बातें कर ली, अब हम आते मेन टॉपिक पे। मैंने अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा लिप्स को भी करूँगी। लिप्स भी बहुत ज़रूरी होता है, लियम बाबू वहाँ से वो वैसे तो लिप्स भी बहुत ज़रूरी होता है, लोग लिप्स पर ध्यान नहीं देते हैं, जब मर्जी या लिपस्टिक लगा लिए, जब मर्जी या कुछ नहीं यार। जैसे हमें अगर हम खाना खाना पानी पीना बंद कर देंगे तो हमारी जो शरीर है ना वो धीरे धीरे वीक होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, हमारे चेहरे से ग्लो चला जाएगा, हमारा जो चेहरा वो ब्लैक होता जाएगा। तो इसी तरह स्किन और लिप्स से सारी चीज़ें होती हैं, आपके बॉडी में जो भी चीज़ें हैं आपको उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो नेल्स हो, हेयर हो, आई हो, लिप्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वैसलीन मेरी बेटी की वजह से ख़त्म होगी क्योंकि वो सारा दिन यही करती है। तो अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग नई नई चीज़ें आ गई तो उनके पीछे भागते हैं, ठीक है, भागो, अच्छी बात है, वो भी अच्छी होती, लेकिन सूट करने के ऊपर होती है। अगर आपको वो नहीं सूट कर रही तो आप मत भागो। मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं सूट करती इसलिए मैं नहीं भागती हूँ। मुझे इससे 5 रुपये की वैसलीन सूट करती है, तो 5 रुपये की वैसलीन जो हज़ारों वाला काम कर रही है तो क्यों भागना यार। ज़रूरी है कि ब्रांड ब्रांड के पीछे ही भागना नहीं, जो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, हार्मफुल नहीं है स्किन के लिए, लिप्स के लिए, तो उसको यूज़ करो, ठीक है, महंगे के पीछे मत भागो। याद आती है स्किन की बारी, मेरा दिमाग आधा बाबू में लगा क्योंकि वो बिल्कुल सन्नाटे में सोता है और मैं उससे काफ़ी दूर पे वीडियो शूट कर रही हूँ, और रिंग लाइट नहीं यूज़ की हूँ। आज रिंग लाइट यूज़ कर लेती ना तो एक्चुअल आपको समझ नहीं आता। मैं रिंग लाइट मंगा ली हूँ क्योंकि जो रोशनी है बहुत कम है कमरे की। तो अभी मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ, क्या नाम है, मेबेलिन का फाउंडेशन। ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्ट जाता है, इसकी कवरेज भी मीडियम टू हाई है और काफ़ी अच्छा है। और एक टाइम में मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ब्लेंडिंग के मामले में प्रॉपर है और गर्मियों में तो ये थोड़ा सा ऑयली हो सकता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, मतलब सभी स्किन टोन वाले लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है हल्का सा ये मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं ठीक है मेरे ख्याल से, और नॉर्मल टू ऑयली लिखा है, बट अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपको बहुत लिक्विडी दिखेगा, बहुत ईजिली ब्लेंड होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो आप ट्राई कर सकते हो, देखो लिखने को करने को कुछ भी होता है, लेकिन जब आप यूज़ करो ना तो फिर आपको समझ में आता है। ले आई तो मैंने मेरी रिंग लाइट मंगा ली है। तो मुझे लगता है कि ऑयली स्किन वाले जब इसको यूज़ करें ना तो इसमें थोड़ा सा लूज लगा दें,
इसमें थोड़ा सा ना लूज पाउडर वगैरह मिला के यूज करें, बट ठंडियों में नहीं, ठीक, क्योंकि ठंडियों के लिए ठीक है, गर्मियों में मैं बोल रही हूँ। और अगर गर्मियों में ड्राई स्किन वाले से यूज कर रहे हैं, जिनकी ड्राई स्किन है, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेस्ट है। ना लाइट चल गई ना, तो लाइट से क्या होता है, एक्चुअल चीजें ना समझ में आती हैं। और पहले तो मैं दो फाउंडेशन ली हूँ, एक तो मैं ली हूँ 335 और एक मैं ली हूँ 230। अभी जो मेरी स्किन है आप देख सकते हो, ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। 230 मेरा शेड है, थोड़ा सा दो टोन लाइट है, बट हल्का सा ये ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए मैं लाइट ली हूँ। और अब ये मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करेगा, बिल्कुल ये देखो एकदम। और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, तो मेरी स्किन बिल्कुल ब्लैक दिखेगी। तो फ़र्क ये भी होता है, अगर आप अपने स्किन टोन से बिल्कुल मिलता जुलता फाउंडेशन ले लो और वो जो ऑक्सीडाइज होते ना, तो आपकी स्किन को जो है ना काला कर देंगे। और दो टोन लाइट लोगे तो वो ऑक्सीडाइज होके आपके कलर में आ जाएंगे और मेकअप जो है ना, चेहरा जो है ना, सुंदर दिखेगा। तो ये फ़र्क होता है। आज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बैठने में, सबसे पहले मैं आपको हैंड पे लगा के दिखाऊंगी इसका शेड, जो मेरी स्किन टोन के हैं इस समय एग्जैक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, वो ये वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। ये वाला नहीं, अभी जो बताऊंगी, तो ये वाला है 335, ये देखिए ये 335। और ये मेरी स्किन टोन से आप देख सकते हो बिल्कुल मैच कर रहा है। जब मैं इसको लगाऊंगी ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर बहुत मेरा फेस जो है ना ब्लैक दिखेगा, गंदा दिखेगा। ऐसा नहीं कि काला दिखेगा इस वजह से गंदा दिखेगा, नहीं, मेन चीज़ क्या होती है ना, कि अगर आप ऐसी चीज़ें यूज कर रहे हो जो आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही है, तो वो चेहरे को और गंदा दिखाती है, ठीक है। अब स्किन चाहे सांवली हो चाहे फेयर हो, इससे मतलब नहीं होता। अभी हम शेड ले रहे हैं 230, ये मेरी स्किन टोन से जो परफेक्ट जाएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी स्किन टोन से इस टाइम जो है ना परफेक्ट जाएगा, ये देखिए। अभी जब मैं इसको लगाऊंगी तब, क्योंकि इसमें दो फाउंडेशन लगे थे ना, दोनों मिक्स हो गए, अभी मैं फेस पे लगा के दिखाती हूँ। और इसको मैं अच्छे से इस तरीके से कर लेती हूँ, ये देखो, और थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा हो गया, ठीक है, ये ऐसे लगा रहेगा। तो चलो अभी हम फेस पे अप्लाई करके आपको थोड़ा से दिखाएंगे, जरा सा हमने थोड़ा सा ले लिया है, हर जगह फाउंडेशन लग जाता है। तो ये देखिए अभी मैंने इसको ले लिया है, तो ये गिरे ना, तो अब समझ में आएगा। मैंने दूसरे फिंगर से लिया, ये देखिए, ये मेरी स्किन टोन से मैच करेगा, थोड़ी देर में ऑक्सीडाइज होगा, अगर ये मैं लगाऊंगी तो ब्लैक कर देगा। तो अभी हम ये लिए हैं अपने शेड का फाउंडेशन, बस हल्का सा लगाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर ब्यूटी ब्लेंडर से आप लगाओगे तो अच्छी खासी कवरेज मिलेगी, बट हम ऐसे लगा रहे हैं नॉर्मली। अगर आप कहीं जा रहे हो कॉलेज वगैरह, तो इस तरीके से फटाफट से लगा के जा सकते हो। अब हल्का सा कॉम्पैक्ट से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट करना, चाहे जितनी भी ड्राई स्किन है, ये स्टेप स्किप नहीं करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी ड्राई स्किन है यार, तो हम लगाएंगे और ड्राई हो जाएगी, नहीं, आपको हर हालत में लगाना ही लगाना है, ठीक है। आपको एक आईब्रो पेंसिल ले लेनी है किसी भी ब्रांड की, तो मैं यहाँ पे लैकमे के लिए हूँ, और इससे अपनी आईब्रो को सेट कर लेना है, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से बस लाइटली, ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस इसके बाद आप चाहो तो इससे से काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजीली, बहुत अच्छे से लग जाता है, देख रहे हैं। इधर भी ऐसे आईलाइनर भी लगा सकते हो, ये देखो, देखा, आपके पास जो कुछ है ना, आप चाहो तो आप उसी से अपना पूरा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मोबाइल में देखते हैं, अरे अच्छा ये भी लगाना, ये भी लगाना, यार जो है आपके पास पहले उससे तो आप अच्छा करो, इतनी सारी चीजें लेकर क्या करोगे, है ना।
तो हमने लगा ली फटाफट से लिपस्टिक, और अलग से मैं कुछ भी नहीं की हूँ, ज्वेलरी ड्रेस वगैरह ईयरिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनी हुई हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट फाउंडेशन चीज़ें समझ में आए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती है एक प्यारी सी वीडियो के साथ।